अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अक्रेंस ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो है हम रिसेंटली ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, ठीक है, 28 तारीख को, और आई थिंक ट्यूजडे का दिन बनता है, और दिन 12 बजे जो है हम लाइव सेशन करेंगे। और आप लोगों ने रेडी रहना है, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं जो आप मुझे पर्सनली पूछते हो या कमेंट्स में पूछते हो, वो सब आपने जो है वहाँ पे मुझसे डिस्कस करना है। इंशाल्लाह वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैंने रिसेंटली पोस्ट की थी कम्युनिटी सेशन में, वहाँ पे आप जाएं, कम्युनिटी में जाएं, वहाँ पे आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल हैं, चाहे वो अपना स्टडी के रिलेटेड हैं, ठीक है, कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी रिसेंटली एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर स्टडी के लिए अपॉर्चुनिटी का होना ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, तो इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन जो हैं वो मुझे पर्सनली भी आते हैं या कमेंट्स में भी आप लोग करते हो, तो हम लाइव सेशन में इंशाल्लाह जो है फेस टू फेस डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अभी वहां पे जाएं, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, जल्दी से कॉपी पेंसिल निकालिए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो लेक्चर है जी आज का टॉपिक हमारे पास पिक्युलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन। ठीक है, बोरोन जो है वो पिक्युलियर बिहेवियर शो करता है, क्यों करता है। सबसे पहले देखेंगे पिक्युलियर क्या होता है। पिक्युलियर का मतलब होता है अनोखा, डिफरेंट। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ शरारतें करते हैं, कुछ बड़े सुलझे से होते हैं, तो घर वाले कहते हैं तो अनोखा ही है। ठीक है, ठीक है, वो एक डिफरेंट होता है और वो अपनी फैमिली मेंबर से एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, इसलिए वो कहते हैं कि यार तुम अनोखे ही हो। ठीक है, इसी तरह इसकी फैमिली की जो बाकी मेंबर हैं वो इसे कहते हैं कि तुम अनोखे क्यों हो। ठीक है, और इसके हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के किस वजह से ये हमारे पास पिक्युलियर बिहेवियर शो करता है। अगर हम ग्रुप 3 की एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, 3A। ठीक है जी, उसमें बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थैलियम है। ठीक है जी, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, मैंने याद करने का भी आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला जो बंदा है ये पिक्युलियर बिहेवियर शो करता है। क्यों करता है अभी मैं बताता हूँ। पहले इस बात को समझें जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत मरतबा बता चुका हूँ कि ग्रुप का जो नंबर है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है जी, इसी तरह पीरियड का जो नंबर है, पीरियड का जो नंबर है वो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। अब यहाँ पे देखें, ये ग्रुप नंबर 3 है, इट मीन्स जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ग्रुप का नंबर है, मीन 3। ठीक है, अब ये पीरियड 2 है, पीरियड 3 है, पीरियड 4 है, पीरियड 5 है एंड पीरियड 6 है। अब ये पीरियड का नंबर हमें क्या बता रहा है, पीरियड का नंबर हमें बता रहा है कि जो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट हैं उनमें सिर्फ 2 शेल्स हैं। ठीक है, पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट हैं उनमें सिर्फ 3 शेल्स हैं। ठीक है सर, अगर हम इंडियम की बात करें तो इसमें कितने शेल्स होंगे, ग्रुप पीरियड का नंबर क्या है जी, 5 है ना, तो 5 ही शेल होंगे। अब देखें जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, मीन शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आखिरी शेल पे मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लग रहे, जिसकी वजह से लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लूजली बॉन्डेड है, थोड़ी सी एनर्जी गेन करके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, मीन एक्ट करते हैं एज अ मेटल। अब ये देखिए, ये टॉप पे होने की वजह से एक तो इसके अंदर शेल्स 2 हैं, जब शेल 2 हैं इट मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं। अब जो चीज न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होती है न्यूक्लियस उसे टाइटली होल्ड करे होता है। ठीक है, इसी तरह ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस ने उनको क्या किया हुआ है, टाइटली होल्ड किया हुआ है। अब टाइटली होल्ड करने की वजह से क्या होता है, एटम का साइज कलेप्स हो जाता है, मीन हम कह सकते हैं बोरोन हैज वेरी स्मॉल साइज विद रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक है जी, इसी तरह अब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बॉन्ड किया हुआ है, इट मीन्स रिमूव करवाना क्या है जी, थोड़ा सा टफ है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या शो करता है बोरोन की, क्या है जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये टू रीजंस की वजह से बोरोन शो करता है डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम इट्स फैमिली मेंबर। ठीक है, कोई भी ग्रुप का टॉप का एलिमेंट जो होगा ना, इन्हीं टू रीजंस की वजह से वो पिक्युलियर बिहेवियर शो करता है। एज आई सेड इन प्रीवियस चैप्टर, जैसे हमने किया था पिक्युलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड पिक्युलियर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम, उसमें भी यही दो रीजन थी जिसकी वजह से वो पिक्युलियर बिहेवियर शो करते थे। ठीक है, तो अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि बोरोन अनोखा क्यों है, तो आप कहोगे कि बोरोन अनोखा इसलिए है क्योंकि उसका साइज जो है वो स्मॉल है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। क्यों है, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो अब हम देखेंगे इसके पॉइंट्स को, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज को, कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है ये शो करता है जब ये डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब सेम भी हो
होंगी, डिफरेंट भी होंगी। हमने सेम तो नहीं डिस्कस करनी है, हमने डिफरेंट करनी है, पिकुलर बिहेवियर देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पिकुलर बिहेवियर हम वन बाय वन करते हैं जी, ठीक है जी। बोरॉन इज नॉन मेटल वाइल अदर मेंबर ऑफ इट्स फैमिली आर मेटल्स। अब ये केला बंदा ऐसा है जो नॉन मेटल है, बाकी क्या है जी, मेटल्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं बताऊं जो मेरी रिसर्च है, ठीक है, वो क्या है जी, बोरोन जो है वो एक मेटालोइड है, मेटालोइड्स। आपको पता है कि मेटालोइड्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्ट करता है एज अ मेटल भी एंड एक्ट करता है एज अ नॉन मेटल भी, ठीक है। लेकिन बोरोन जो है वो ज्यादा नॉन मेटल का बिहेवियर शो करता है। क्यों? आप कह सकते हैं कि 30% जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की है और 70% प्रॉपर्टी जो है वो अपना नॉन मेटल की है। इसलिए ये ज़्यादातर अब ये देखें ना, जो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, जो खसूसियत ज़्यादा होगी, वो डोमिनेट आ जाती है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की वो ज़्यादा है मेटल से, इस वजह से ये क्या है, डोमिनेंट आ गया है। मीन्स ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करता है नॉन मेटल की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोरोन इज़ अ नॉन मेटल वाइल अदर मेंबर ऑफ इट्स फैमिली आर मेटल्स, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद बोरोन इज ओनली मेटल, सॉरी नॉन मेटल, इज ओनली नॉन मेटल विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। मतलब ये वाहद हमारे पास नॉन मेटल है जिसके आखिरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है। अगर आप देखो ग्रुप नंबर 5 को, उसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। ग्रुप नंबर 6 को, उसमें ऑक्सीजन है। ग्रुप नंबर 7 को, उसमें क्या है जी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है। अब इनके आखिरी ग्रुप का नंबर हमें क्या बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इट मीन्स नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 5। इसी तरह ऑक्सीजन का कितने हैं, 6। इसी तरह फ्लोरीन का कितने हैं, 7। मीन ये तमाम के तमाम क्या हैं जी, नॉन मेटल हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 से ज़्यादा हैं। अब ये देखें कि ये तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं, इसलिए नॉन मेटल। लेकिन बोरोन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास क्या आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो आगे 1s2 2s2 2p1। अब ये देखें, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 3 हैं, लेकिन फिर भी एक्ट करता है एज अ नॉन मेटल। तो वाहद एलिमेंट है जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होने के बावजूद भी एक्ट करता है एज अ नॉन मेटल, ठीक है जी। बोरोन इज ऑलवेज यूज इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग पर्पस, ठीक है जी। मतलब जब भी इसने बॉन्डिंग करनी है तो इसने क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज करना है। जैसे अभी मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दे दूँ, इसकी जो कॉमन एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्या करता है, ये इसके 1s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके 2s2 हैं, ये 2p1 है, ठीक है। अब इसके साथ क्या करेगा, एक एक फ्लोरीन का आ जाएगा, शेयर कर लेगा आगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो यूज करता है, मतलब इसने कोई भी बॉन्ड बना रहा है, जैसे मेटाबोरिक एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड है, जितने भी ये अपने मिनरल्स बनाएगा, एसिड बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा, इसने क्या करना है कि अपने 3 के 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं। अब आप बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखते हो कि जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन वो कुछ बॉन्ड बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कि फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है ना, क्यों ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, लेकिन ये एक ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वो 3 के 3 ही यूज़ करता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है जी। इन्हें अच्छे तरीके से आपने देख लिया। उसके बाद हमारे पास अगर ये बॉन्ड बनाता है तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 के 3 ही बनाएगा ना, तो हम कह सकते हैं इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज यहाँ +3 हो सकती है या -3 हो सकती है। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखें मेटाबोरिक एसिड को,
ठीक है, मेटाबोलिक एसिड को देखें अगर हमारे पास, तो इसकी ऑक्सीडेशन क्या आ सकती है। अभी हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलकर निकालते हैं, हमने निकालनी है बोरोन की, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी है, प्लस वन है, ब्रोमीन की निकाल, बोरोन की हमने निकालनी है, इसको हम एक्स कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी है जी, टू, इसकी है जी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये वन आ गया प्लस एक्स आ गया। अब इस टू ने इस टू के साथ मल्टीप्लाई होने तो माइनस फोर आ गया इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस फोर में से प्लस का वन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा। अब ये माइनस थ्री जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री नहीं हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो मेटाबोरिक एसिड है यहाँ पे ये प्लस थ्री इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी, प्लस थ्री इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अभी बताया है कि इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तो प्लस थ्री है यहाँ माइनस थ्री है। हम एक और निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड की, ठीक है जी, ऑर्थोबोरिक एसिड में अगर आपने डायरेक्टली निकालनी हो, ठीक है, तो इसकी टू है माइनस टू है, इसकी प्लस वन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस सिक्स आ जाएगा, ये प्लस सिक्स आ जाएगा। माइनस सिक्स में से प्लस थ्री का निकलेगा तो हमारे पास माइनस थ्री आ जाएगा ना, तो माइनस थ्री जब उधर जाएगा तो वो प्लस का थ्री हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे इसकी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये माइनस थ्री की भी ऑक्सीडेशन शो करता है और प्लस थ्री की भी ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, यहाँ तो प्लस थ्री है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ तो प्लस थ्री है और यहाँ माइनस थ्री है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, बोरोन कैन फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, जब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेंथी हो जाएगा काम। मतलब मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे, और जिन कॉलेजेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है मे बी उन्होंने पढ़ लिए होंगे ये टॉपिक, ठीक है। तो जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बोरोन जो है वो किस तरह मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है जी सिक्स वाली, ठीक है जी, बोरोन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड किसके साथ, विद सल्फेट नाइट्रेट्स एंड मैनी अदर अनायंस, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म स्टेबल कैटायन, कैटायन क्या होता है, ऐसा आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। अब ये स्टेबल कैटायन नहीं बनाता, मैंने अभी बताया था कि ये एक मेटालोइड्स है, लेकिन इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है एज अ नॉन मेटल, ठीक है। अब नॉन मेटल क्या है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, मीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, मीन उस तरफ नहीं जाता कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसकी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूँ, ठीक है। जैसे कुछ बंदे होते हैं ना, उनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं बस लोगों से पैसे लूँ उन्हें दूँ ना, तो ये भी वैसा ही बंदा है कि इसकी भी यही कोशिश होती है बोरोन की कि मैं इलेक्ट्रॉन्स लूँ दूँ ना, मुझे कुछ देना ना पड़े, बस आता ही जाए मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये स्टेबल के टाइम नहीं बनाता, मीन ऐसा के टाइम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, स्टेबल के टाइम नहीं बनाता, इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड भी नहीं बनाता, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट वाली और है प्रॉपर्टी, ठीक है, बोरोन शो एलोट्रोपी, बोरोन शोज एलोट्रोपी, ठीक है, एंड कैन एग्जिस्ट इन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ, बोरोन शोज एलोट्रोपी एंड कैन एग्जिस्ट इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। एलोट्रोपी क्या है, बोरोन जो है एलोट्रोपी का मतलब है कि किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना क्या कहलाता है जी, एलोट्रोपी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन टू भी है, ऑक्सीजन थ्री भी है तो ऑक्सीजन ही, लेकिन अशकाल कितनी है, दो से ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बोरोन जो है, अगर आप बोरोन की अशकाल देखें ना, तो बोरोन फाइव है, बोरोन सिक्स, बोरोन सेवन, बोरोन एट, बोरोन नाइन, बोरोन टेन, अलेवन, ट्वेल्व,
12, 13, 14 तक जाती हैं, मीन इतनी ज़्यादा इसकी अशकाल है। तो ये एलोट्रोपी भी है और ये इमोर्फस फॉर्म भी में भी होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है। इमोर्फस फॉर्म क्या होती है, मीन ऐसा सब्सटेंस होता है जो शेपलेस होता है, शेपलेस, ठीक है, मीन उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको पता है कि उसका क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D क्रिस्टल लैटिस होता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह जो है कि ये इमोर्फस फॉर्म में भी होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज के पॉइंट्स जो कि बोरोन जो है वो शो करता है अपने रिस्पेक्टेड एलिमेंट से थोड़ा सा हटके, ठीक है। और वैसे भी इंसान को थोड़ा सा हटके ही रहना चाहिए, भीड़ से अलग चलना चाहिए, ठीक है, कुछ डिफरेंट करके दिखाना चाहिए, फिर जो है वो कामयाबी इंसान का मुकद्दर बनती है, ठीक है। ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है और लोग जो है वो मोस्टली मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से वो नाकाम होते, ठीक है। तो मेहनत करते रहना चाहिए, जो बंदा मेहनती होता है वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।